उमंग राम, जयप्रकाश राम और शमशाद आलम, इन तीन लोगों ने मिलकर दिशा व्याकृत किया। विद्यालय है उसके वहां ले जाया गया पहला फुसलाकर, और उसके बाद वहां पर इनके साथ व्याकृत करने की घटना दर्ज। हमने इसका एफ आई आर कर दिया, इसका संज्ञान लेकर इसकी घटना का अनुसंधान कर दिया गया। गोपालगंज में 16 वर्षीय नाबालिग युवती के साथ गैंगरेप का मामला सामने आया है। इस मामले के सामने आते ही इलाके में सनसनी फैल गई है। घटना सिंधवलिया थाना क्षेत्र के बखौड़ा बलुआ टोला गांव की है। गैंगरेप का आरोप गांव के ही तीन युवकों पर लगा है। इस घटना के बाद सभी आरोपी फरार हैं। बताया जा रहा है कि सिंधवलिया थाना के बखौड़ा गाँव में तीन युवकों ने 16 वर्षीय नाबालिग युवती को प्राथमिक विद्यालय बखौड़ा में ले जाकर बारी बारी से सामूहिक दुष्कर्म किया। इस घटना के बाद सिंधवलिया पुलिस ने युवती के बयान पर तीनों आरोपी जयप्रकाश राम, उमंग राम और शमशाद आलम के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर ली है। पुलिस पीड़ित युवती को मेडिकल के लिए सदर अस्पताल भेजकर आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही है। हालांकि अभी तक किसी आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हो सकी है। इस मामले में सदर SDPO 2 अभय कुमार रंजन ने बताया कि सिंधवलिया थाना के बखौड़ा बलुआ टोला के एक युवती ने आरोप लगाया है कि उसके गांव के तीन युवक जयप्रकाश राम, उमंग राम और शमशाद आलम बहला फुसलाकर प्राथमिक विद्यालय में ले जाकर सामूहिक दुष्कर्म किया है। इन्होंने FIR कराया है कि उमंग राम, जयप्रकाश राम और शमशाद आलम, इन तीन लोगों ने मिलकर दिशा व्याकृत किया। पहले इन्हें एक प्राथमिक विद्यालय है उसके वहां ले जाया गया पहला फुसलाकर, और उसके बाद वहां पर इनके साथ व्याग्रेप करने की घटना दर्ज। घटना के संबंध में FIR दर्ज कराई गई। हमने इसका FIR कर दिया, इसका संज्ञान लेकर इसकी घटना का अनुसंधान कर दिया गया। पीड़िता के बयान पर सिंधवलिया थाना में प्राथमिकी दर्ज कर अनुसंधान शुरू कर दिया गया है। जल्दी सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। गोपालगंज से संवाददाता आशुतोष तिवारी की रिपोर्ट।